आधुनिकता के हद पार कर दे फिर देख एकदम से ऑटो कट में जल गया ना पूरा। ये अंडा भी हो गया, ये हाँ। मशीन भी हो गया, ये हैचरी भी हो गया और उसमें बच्चे भी हो गए, क्या बात है, डेट भी डाल रखे हैं। बोलिए बतख के अंडे भी इसी में हैच करा रहे हैं। हाँ बाकी रिजल्ट थोड़ा अच्छा नहीं आता मुर्गी। ये व्हाइट बोर्ड क्या है, अगले दिन क्या क्या काम करना पड़ता है ना, वो सब लिख दिया रहता हूँ, जो काम होता है उसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे कुछ काम हो रहा है उसी हिट से ही हाँ। उसका काम बन जा रहा है हाँ। बहुत सुंदर, एक नंबर जुगाड़। ऊपर में जो ट्रे लगा है ना उसके नीचे इसको इधर बीच में पार्टीशन कर दिया, इधर पानी है अच्छा इधर वो है मतलब। और ये जाली भी खुद से बनाया है, वीडियो देख के बना। मेरा वीडियो देख करके बनाए हो, बहुत सुंदर अच्छी बात है ना। इसमें ऐसा राउंड शेप में थोड़ा देख। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे चैनल में। आज के आपको इस चैनल में बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगा दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं रितेश भाई का फार्म है, बहुत ही कम जगह में और बहुत ही कम समय में इन्होंने अच्छा ग्रोथ किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने में एक छोटा सा जगह में इन्होंने पूरा चार्ट वगैरह लगा रखा है कि किस टाइप का ये लोग खरीदी बिक्री करते हैं, आने जाने का पूरा रास्ता भी दिया हुआ है आपको। ये चंद्रपुर एरिया से थोड़ा सा आगे पड़ेगा दोस्तों और अंदर पहाड़ की ओर जाना पड़ेगा। बहुत ही कम जगह में बहुत अच्छा सेटअप बनाए हैं, मैं तो देख करके हैरान रह गया। यहाँ पर देखिए ग्रीन सेट के पर्दे डाले हुए हैं और ये जो ग्रीन सेट का आपको जो मकान दिख रहा है इधर भी मुर्गियां हैं और ये सामने में जो चर रहे हैं ये इधर भी मुर्गियां हैं। दिन में मुर्गी बतख यहाँ पे ऐसे करके खुले पूरे रहते हैं। ये मास्कोवी डक हैं, टर्की हैं, देसी मुर्गी है, सब एक साथ रहते हैं दोस्तों। कहीं कोई इनका कोई नुकसान नहीं होता, कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से इन्होंने मेंटेनेंस किया है क्योंकि इन्होंने दिल लगा करके फार्म किया हुआ है और बहुत अच्छे से ये मेंटेन करके जा रहे हैं। आज का वीडियो इन्हीं के ऊपर है। इनके यहाँ जब हम आए तो देखे कि एक साथ इन्होंने कई प्रकार का काम कर रखा है, जैसे कि अभी देसी मुर्गी कर रहे हैं, फिर मास्कोवी बतख कर रहे हैं, उसके साथ में अंडे से चूजा निकाल रहे हैं, मास्कोवी के अंडे को ये इसको दे रहे हैं, मुर्गियों को दे रहे हैं और मुर्गी के अंडे को ये हैच करा के निकाल रहे हैं। पूरे सिस्टम को समझेंगे, आप वीडियो में पूरा बने रहिए दोस्तों, बिल्कुल मत जाइए। अगर आप बिल्कुल फार्मिंग के शौकीन हैं, 1% भी अगर आपको लगता है कि आपको फार्मिंग का पूरा जानकारी चाहिए तो आपके लिए ये वीडियो है, बहुत ही जानकारी वर्धक ये वीडियो है मैं जो बोल रहा हूँ। इसके बाद अभी आप लोगों को एक अलग पार्ट में लेते हुए जाएंगे और पूरे फार्म की विजिट कराएंगे। एक ही वीडियो में तो पूरा संभव है नहीं, अलग अलग वीडियो बनेगा। तो फिलहाल ये वीडियो आप लोगों के लिए है, बहुत अच्छी जानकारी के साथ में है। हम आ चुके हैं अंडे वाले कमरे पे, हैच वाले कमरे पे, किस टाइप का ये ब्रूडिंग का भी नया तरीका निकाले हैं हैच कराने का भी, तो बिल्कुल आप मेरे साथ में बने रहिए और देख। बतख के अंडे भी इसी में हैच करा रहे हैं। हाँ बाकी रिजल्ट थोड़ा अच्छा नहीं आता, मुर्गियों से निकलवा रहा हूँ। फुल्ली ऑटोमेटिक है? नहीं नहीं, वो ऑटोमेटिक को खत्म कर दिया। खत्म कर क्या है, बिजली खपत ज्यादा होता हो रहा था ना, इसलिए क्या मैं अब जुगाड़ द्वारा रस्सी फिटिंग कर दिया। ये लाइट इतना कम क्यों जल रहा है, डायोड लगाए हैं? कितना ठो डाइवर्ट लगाए हैं? एक ठो। चलिए ठीक है, दोनों चालू है। बस 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 बंद कर दीजिए, आपका खराब हो जाएगा इसका। और इसमें क्या है ना, इसमें भी अंडा है, इसका जुगाड़ वाला क्या है, रस्सी फिटिंग है, एक बार घुमा दो। बढ़िया। और इसी का नीचे में और एक जुगाड़ है, जितना भी वो होता है ना, इसमें क्या है, बच्चे निकलने स्टार्ट हो गए। अच्छा, ओहो, उसी में बच्चा भी है बोलो। ये क्या ऊपर सब वो है, 18 दिन कंप्लीट नहीं हुआ वो अंडा है हाँ? नीचे 18 दिन कंप्लीट हो जाते हैं वो सब अंडे डाल देता हूँ, ऑटोमेटिक वो निकल जाता है, ऑटोमेटिक हैच होते रहता है। समझ हाँ हाँ हाँ, दो काम हो रहे हैं एक से, समझिए एक से दो काम हो रहा है उसी हिट से ही हाँ, उसका हाँ, काम बन जा रहा है हाँ, बहुत सुंदर, एक नंबर जुगाड़। ऊपर में जो ट्रे लगा है ना उसके नीचे इसको और इधर बीच में पार्टीशन कर दिया हूँ, इधर पानी है अच्छा और इधर वो है, मतलब आधुनिकता के हद पार कर दे फिर देख एकदम से, ऑटो कट में जल गया ना पूरा। ये अंडा भी हो गया, ये मशीन भी हो गया, ये हैचरी भी हो गया और उसमें बच्चे भी हो गए, क्या बात है, डेट भी डाल रखे हैं। बोलिए बहुत सुंदर। हाँ डेट नहीं डालता ना हाँ। उसके लिए अलग से डायरी है, उसमें ऐड कर देता हूँ। और क्या है, जैसे ब्रूडिंग के लिए अपन को हाँ 15 रकम सब चीज़ को वो करो, उससे अच्छा मैं कबाड़ से फ्रिज उठा लिया हूँ हाँ। सीधा इसमें चूजा डाल देता हूँ हाँ। इसमें क्या ऊपर से ढक दो, फिर वो गर्मी मेंटेन हो जाता है। नहीं ये तो मैं भी किया हूँ ऐसा,
ये दोनों है हाँ। तो इससे बड़ा ये छोटा साइज हुआ, कम से कम थोड़ा बड़ा हुआ उसमें जाएगा आज हाँ। का डेट वाला फिर इसमें आएगा, इसमें आएगा हाँ। फिर इससे बड़ा होता है वो इसमें आएगा। कुल मिलाकर के होम प्रोडक्शन से ही काम चल जा रहा है बोलो सीधा है ना, जैसे किसी और तो ये टोटल घर का प्रोडक्शन है बोलो। जी जी क्या बात है, छोटा वाला डब्बा दाना होना जिसमें गिरे भी मत, गिरे तो एक दो बूंद वो खा लेते हैं। नीचे और इसमें मुर्गियां हैं, वो नीचे का जितना भी है वो सब वो साफ कर दे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, इनको अब बल्ब दिखाने की जरूरत नहीं। ये कितने दिन के हो गए हैं? ये करीबन अब 20-25 दिन के हो गए। 20-25 दिन में इनका शरीर अच्छा ही आया है इनका, वो बढ़िया है मतलब बाढ़ इनका जो ग्रोथ है। और बच्चे तो आगे पीछे भी फूट रहे हैं ना। और ये जाली भी खुद से बनाए हो? मेरा वीडियो देख करके बनाए हो, बहुत सुंदर अच्छी बात है ना। इसमें ऐसा राउंड शेप में थोड़ा दे के इसको प्रोफेशनली बनाओ ताकि लॉन्ग लास्टिंग चले वो है ना, पहले भी बोला था मैं एक बार। जो बड़ा था ना हाँ, उसको इसमें ऐड करके बनाया। ठीक बात है। फिर इसमें भी था वो सब निकल गया है, लॉट एक खरीद लिया एक जन हाँ, हो गया। फिर बतख का बच्चा अच्छा एक्स्ट्रा बचा था ना हाँ, वो सब अच्छा, वो जो मेरे को देने के बाद जो थोड़ा मोड़ा जो बाद में हैच हुए वो लोग हैं ना हाँ। चलिए बहुत सुंदर। और उससे बड़ा साइज इधर है क्या? उससे बड़ा साइज ये है। ये कितने दिन के हैं? ये उससे 15 दिन प्लस के हैं समझिए। और ये जो व्हाइट वाले हैं ये सब मार्केट में जो बिकता है वो है कि घर ही का है? ये घर ही का है सभी। अच्छा ये भी निकला है? जी जी। तो ये तो लेयर लग रहे हैं भैया, मतलब वो लग रहे हैं कॉकरेल। मेरे पास मुर्गी जो कॉकरेल मुर्गी हाँ, है हाँ, वो, हाँ, वो जो देसी मुर्गा क्रॉस करा के जो हाँ, फर्टिलाइजर एक से हाँ, जो निकाल करके। तो रितेश भाई जी, यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ आपका सिस्टम तो अच्छा है, तो इस सिस्टम में बरसात में काफी प्रॉब्लम आता होगा आपको? नहीं बरसात में प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इसमें एक बार और कर देते है ना। अच्छा मतलब एक बार मेंटेनेंस फिर हो जाता है, मतलब पन्नी उन्नी देके फिर से दोबारा काम करना पड़ता है, क्योंकि जुगाड़ तो हम लंबा टाइम तक टिकेगा नहीं हाँ। एक साल में एक बार रिपेयर करना ही पड़ता है। अच्छा अच्छा हाँ। तो मैं नाइट में बंद बिला बोला अभी तक तो नहीं इससे जब से चालू करे हैं। एक दो इसके नीचे और बतख का अंडा मतलब कौन सा, मास्कोवी? मास्कोवी, मास्कोवी का अंडा लोग हैच कर लेते हैं आराम से हैं? हाँ आराम से इनको मैं उसी के लिए रखा हूँ। मैं एक मुर्गी से ना तीन बार निकलवाता हूँ। अच्छा आप क्या करते हो, इसका ले लेते हो उसमें मशीन में हाँ, और बतख का अंडा इसमें, तो फिर ये तो उड़ जाएगी, फिर कैसे करोगे? नहीं उड़ती है, पूरा निकालेगी हाँ, पूरा तीन बार निकालेगी, तीन बार बच्चा मतलब बार तीन बार नहीं, साल में तीन बार क्या नहीं, बोल रहे हो मतलब? जैसे अभी बैठी है हाँ, बच्चा निकाली हाँ, उसके बाद बच्चे को अलग कर लूंगा, फिर नया अंडा डाल दूंगा बदक का। तो बैठे रहेगी वो? बैठे रहेगी वो, नहीं हटेगी वो? नहीं, फिर उसके बाद दूसरा बार वो फिर बच्चा निकाल फिर अंडा डाल दो। ये बात मेरे को और एक जन बोला था लेकिन मैं विश्वास नहीं किया था, आप बोल रहे हो तो मेरे को करना पड़ रहा है, क्योंकि आप सामने कर रहे हो हाँ। इससे भी और नीचे उससे भी। अरे यार तो ये तीन तीन महीने तक बैठी ही रहेगी? चार महीने भी बैठेगी, लेकिन क्या है इसका बॉडी को, मेरे को भी अब हाँ, मैं भी अब इंसान हूँ हाँ, मतलब उतना ज्यादा हद तक भी फायदा नहीं उठा सकते ना किसी का हाँ, इसलिए तीन महीने निकलवाता हूँ हाँ, उसके बाद ना फिर इससे वो करवा लेता हूँ, मतलब दाना वाना खा के फिर अपना बॉडी बना लेगी हाँ, उसके बाद एक 10-15 दिन फिर अंडे चालू कर देगी, फिर बैठेगी तो फिर 3 महीने के लिए। इसमें क्या है, बच्चा 31 तारीख को निकलेगा। अच्छा 31 को निकलेगा जी, देख डाला है 29 को निकलेगा, 31 को लिख के रखा है। कितना दिन हो रहा है टोटल आज? क्या है 26? नहीं नहीं, वो कितना दिन का साइकिल में निकल रहा है मास्कोवी? वो 33 दिन तक रोटेट करना पड़ता है, 34-35 में निकल जाएगा। ठीक बात। और ये भी इसका भी वही है। कितने अंडे देते हो आप इनको? मैं मुर्गी हिसाब से, जैसे इसका साइज मीडियम साइज है। अच्छा रितेश भाई एक चीज बताओ, जैसे कि हम लोग जो अंडा दे रहे हैं मास्कोवी जहाँ अंडा दे रहे हैं, तो कितने दिन का अंडा उठा करके डाल सकते हैं लास्ट? जैसे गर्मी का दिन रहता है उसमें क्या है ना, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन या 4 दिन तक आप डाल सकते हो, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर वैसे ही हाई रहता है। और अभी का मौसम में? अभी का मैं मिनिमम ना 6 दिन तक का डाल देता हूँ। 6 दिन तक का उसमें हो जाता है। बाकी आपका फार्म बहुत अच्छा है,
जरूरी नहीं है कि मतलब एकदम से वेल मेंटेन करके भी अगर आपका टर्नओवर नहीं हो रहा है तो गलत है। इसमें अभी नहीं है क्योंकि चूजा वो इसको अभी डालेंगे इसमें, है ना, समय मिलेगा तो फुर्सत होगा तो। कई काम है ना, हाँ। तो इससे उसे भूल जाता हूँ। ये क्या है, ये व्हाइट बोर्ड क्या है, अगले दिन क्या क्या काम करना पड़ता है ना वो सब लिख दिया रहता हूँ, जो काम होता है उसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे कुछ मेडिसिन है, देख पा रहे हैं आप लोग, ये डायरी वगैरह पूरा मेंटेन करके मेडिसिन वगैरह दे के एल्बो मार से लेके विटामिन वगैरह सब और अलग से पूरा इसको अच्छा यूज़ किए हैं। अब ये मेरे को मिल भी रहा था सीसी बोतल रखने के लिए, एक नंबर सही है। हाँ अच्छा, एक मुर्गी चढ़ के यहाँ अंडा भी दे रही है, वाह, चार पाँच छः, ठीक है ठीक है, नहीं दिख रहा है, आगे आगे, तीन तीन छः, हाँ हाँ सही है सही है। ये देसी मुर्गी का ये फ़ायदा है, और ये एक गाय लोग जो दाना वाना खाते हैं कोटना कोटना में से अपना बतख पालन हो जा रहा है समझो। कुल मिला करके आप सही यूज़ कर ले रहे हो हर चीज़ का ना, तो सही है, नहीं तो हम लोग तो इतना अच्छा स्ट्रक्चर वगैरह बनाने के बाद भी इतना सामान नहीं है तो फिर ये इसी में मास्क को भी रख दिए साथ में, वो डैमेज है ना तो उसका पैर, लेकिन देसी है बोलो सब। हाँ हाँ, ये डेली बिक्री के लिए है, कोई भी कस्टमर आए इसको सेल कर